तो ये देखिए हमारा जो ये टी टाइम स्नैक है कितना ज़्यादा क्रिस्प बना है, ये देखिए बिल्कुल क्रंची बना है। हेलो फ्रेंड्स, इस जगह की किचन में हम बनाने वाले हैं टेस्टी टी टाइम स्नैक्स, और ये स्नैक्स हम बनाएंगे बिना तले हुए, और ये इतना क्रिस्प बनता है, इतना क्रंची बनता है कि आप इसको बार बार बनाकर खाएंगे, बिल्कुल समोसे की तरह। जैसे समोसा क्रंची होता है ना, ऊपर से क्रिस्प होता है और अंदर से वो आलू की स्टफिंग इतनी चटपटी और वो बहुत टेस्टी लगती है। तो इसी तरीके से आज हम अपना एक ऐसा ही टी टाइम स्नैक बनाकर तैयार करेंगे जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। टी टाइम स्नैक बनाने के लिए एक बड़े से बर्तन में हम डालेंगे 2 कप मैदा। 2 कप मैदा डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हम डालेंगे इसके अंदर अजवाइन। अजवाइन से टेस्ट भी अच्छा आएगा और इसको डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करेगा। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/3 कप देसी घी। आप देसी घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं और डालडा घी भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया था, तो उसी कप से हमने 1/3 कप देसी घी डाला है। इस चीज़ का ये मेज़रमेंट आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। सब चीज़ों को हमने यहाँ पर अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करते हुए हमने ये देखना है कि ये इस बैटर की, इस मिक्सचर की एक मुट्ठी बन जानी चाहिए। और घी डालने से जो हमारा ये नाश्ता है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प बनता है। ये वाला प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से करना है, सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है जिससे कि घी आटे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए सब चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर ली हैं, तो अब हम इसकी एक मुट्ठी बनाकर देख लेते हैं। ये देखिए मुट्ठी आराम से बन गई है, यानी कि जो हमने इसके अंदर मोइन डाला है, देसी घी डाला है, वो बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी में डाला है। तो अब हम इसका सेमी सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। धीरे धीरे पानी डालेंगे, हमने पानी उसी कप में लिया है, एक साथ पानी आप नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। आटे को जब आप बनाते हैं ना तो ऐसे मसलते हुए आटा आपको बनाना है, पानी डालते जाइए धीरे धीरे और आटे को आप ऐसे मसलते हुए बनाइएगा। तो ये देखिए हमारा ये सेमी सॉफ्ट आटा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरीके का आटा आपको ये बनाकर तैयार करना है, और इस आटे को बनाने में ना हमारा लगभग 1/4 कप पानी का यूज़ हुआ है, और ये वही कप है जिससे हमने मैदे को मेज़र किया था। हम अपने इस आटे के ऊपर थोड़ा सा घी और ऊपर से ऐसे लगा देंगे जिससे कि आटा हमारा सूखेगा नहीं और आटा अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। देसी घी जो हमने इसके अंदर यूज़ किया है ना फ्रेंड्स, उसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो ये देखिए घी लगाकर भी हमने आटे को अच्छे से नीट कर लिया है, और इसको अब हम सेट होने के लिए रख देंगे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। हमने यहाँ पर एक हैवी बॉटम पैन रख लिया है, और इसके अंदर हम 2 छोटे चम्मच देसी घी डालेंगे। आप चाहें तो आप रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। घी हमारा हल्का गर्म हो चुका है, गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे, और स्लो फ्लेम पर हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 2 चुटकी हींग, और जीरे को हम हल्का हल्का ब्राउन कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हम अभी भी स्लो ही रखेंगे। जीरा हल्का हल्का ब्राउन हो गया है, तो अब हम डालेंगे इसके अंदर 2 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक का पीस है, इनको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। अदरक और हरी मिर्च भी हमारी हल्की हल्की ब्राउन हो गई है, खुशबू आने लगी है, तो अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है। 1/4 टीस्पून मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और ये है हमारा 1 टेबलस्पून सौंफ जिसको हमने कोर्सली ग्राइंड किया है। सौंफ का टेस्ट इसके अंदर सबसे अच्छा आता है। 1/2 टीस्पून हम डालेंगे इसमें नमक, नमक आप ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने नमक आटे के अंदर भी डाला है। और अब हम डालेंगे 4 बॉइल्ड और मैश किए हुए आलू, ये मीडियम साइज आलू है, इसको हमने डाल दिया है। आलू डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून है ये हमारी पिसी हुई चीनी। चीनी से क्या होगा, इसकी जो स्पाइसीनेस है वो एडजस्ट होती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और लगभग 1.5 टीस्पून हमने डाल दिया है अमचूर पाउडर।
यहाँ हमने सब चीजें अच्छे से डाल दिए हैं और अब हम इनको स्लो फ्लेम पर ही अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू के साथ ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए और स्लो फ्लेम पर ये प्रोसेस हमने इसलिए किया है जिससे कि हमारे मसाले जलेंगे नहीं और आलू का जो ये मसाला है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये देखिए सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और दबाते हुए हमने इसको मिक्स किया है जिससे कि सारे मसाले आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए हमारी जो ये स्टफिंग है ये अब रेडी हो गई है। गैस को हम बंद कर देंगे और इसको भी हम बिल्कुल ठंडा कर लेंगे और इस स्टेज पर आप ये आलू को टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नमक बहुत कम है तो आप थोड़ा सा नमक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया है तो अब हम अपने आटे को बस थोड़ा सा ना और ऐसे मसलते हुए 2 मिनट के लिए नीट कर लेंगे जिससे कि ये और थोड़ा चिकना हो जाए। तो ये देखिए आटा हमारा बिल्कुल बढ़िया चिकना आटा बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इस अपने इस आटे में से 3 लोइयां बनाकर तैयार करेंगे। हमने यहाँ पर अपनी 1 लोई रख ली है और हमने इसको अब बेलना है। तो ये देखिए हमने इसको रोटी से बड़ा बेलकर तैयार कर लिया है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, आप इसकी थिकनेस को देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर जो हमने स्टफिंग तैयार की थी उस स्टफिंग को लगाएंगे और स्प्रेड करेंगे। ये देखिए हमने इसके ऊपर 2 बड़े चम्मच स्टफिंग डाल ली है, अब हम इसको स्प्रेड करेंगे और किनारों पे से ना आपको ये स्प्रेड नहीं करनी है, किनारे आपने ऐसे ही रखने हैं। ये देखिए हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लिया है और एक बात का ध्यान रखिएगा, जो हमने ये जो लेयर लगानी है ना ये आपको पतली लेयर लगानी है, बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी है। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से कर लिया है स्प्रेड। तो अब हमने क्या करना है, ऐसे उठाइएगा इस तरीके से और इसको हम रोल करेंगे। और हमारा जो ये बिल्कुल लास्ट का जो ये एजेस है ना इसके ऊपर हम हल्का सा पानी लगा लेंगे जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाए। और अब हम इसको हाथों से दबाते हुए ऐसे रोल करेंगे जिससे कि ये सब चीज़ अच्छे से आपस में चिपक जाए। ये देखिए रोल को हमने लगा लिया है चॉपिंग बोर्ड पे और जो ये एजेस हैं ये और ये इसको हम अंदर की साइड दबा देंगे और अब हम इसको नाइफ की हेल्प से जो हमने ये मोड़े थे ना ये जो लास्ट वाले जो ये साइड थे इसको पहले ट्रिम कर देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए हमने यहाँ पर ये पतले पतले स्लाइस इसके कर लिए हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने एक लेनी है बेकिंग ट्रे, हम अपने बेकिंग ट्रे को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। हमने यहाँ पर देसी घी से ग्रीस किया है और अगर आप चाहें तो इसको वेजिटेबल ऑयल या डालडा घी से भी ग्रीस कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़े से तिल हैं हम इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड कर देंगे, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। तिल डालने के बाद हमने यहाँ पर ये 1 पीस निकाल लिया है, इसको हल्के हाथ से आप ऐसे दबा लीजिए और ऐसे हम रख देंगे। हम अपना जो ये टी टाइम स्नैक बनाकर तैयार कर रहे हैं इसको हम बनाएंगे अवन के अंदर, बेक कर हम बनाएंगे। अवन को भी हमने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए। तो चलिए अब हम इसको अवन में रख लेते हैं। हमने यहाँ पर जो वायर रैक लगाया है ना वो लोअर रैक पर रखा है, इसको हम डाल देंगे इसके अंदर, बंद करेंगे। टेम्परेचर हमने यहाँ पर 180 रखा है, लोअर हीटिंग रॉड हमने यहाँ पर ऑन रखी है और लगभग 20 मिनट का हम यहाँ पर टाइम लगा रहे हैं। 20 मिनट हो गए हैं और हमने ट्रे को बाहर निकाल लिया है और ऊपर से ना हम इस तरीके से इसको देसी घी से थोड़ा थोड़ा ग्रीस करेंगे ऐसे। अब हमने क्या करना है, इसको आप इस तरीके से फ्लिप कर दीजिए और ये देखिए इसमें नीचे कलर कितना अच्छा आया है इस तरीके से। ये देखिए हमने सबको फ्लिप कर लिया है और दोबारा से हम इसको लगभग 20 मिनट के लिए बेक होने रखेंगे।
तो ये देखिए 20-20 मिनट हमने इनको दोनों तरफ से अच्छे से बेक कर लिया है और आप देख सकते हैं इनका कलर कितना अच्छा आया है और बहुत अच्छी इस पर खुशबू भी आने लगी है। ये देखिए इसका कलर, इसका टेक्सचर और दोनों तरफ से ये इक्वली बेक हुई है। इसको हम बस 5-7 मिनट थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी ज़्यादा क्रिस्प बनी है। और ये कितनी ज़्यादा क्रिस्प बनी है उसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं, ये देखिए। और आप इनको जब अवन से बाहर निकालते हैं तो लगभग 5-10 मिनट के लिए इनको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, जिससे कि ये और भी ज़्यादा क्रिस्प हो जाएंगे। और उसके बाद आप इसको हरी चटनी और केचप के साथ सर्व कीजिएगा। टेस्ट इतना अच्छा लगेगा आपको कि आप इसको बार बार बनाकर खाएंगे। वैसे भी हमने इसको फ्राई नहीं किया है तो आपके लिए पूरी तरीके से हेल्दी भी है। तो फ्रेंड्स आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और आपको ये कैसे लगे हमें कमेंट करके भी बताइएगा। साथ ही इजी टू कुक चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।